हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा पे है। तो आज हम इस टॉपिक में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं और डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट इन ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कम्प्लीट होती है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड अप टू एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक जो है आपकी जो है एलिमेंट्री कैनाल होती है। और अगर हम कहें तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल वो स्ट्रेट होती है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो माउथ से आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। माउथ लीड इनटू द बक्कल कैविटी। हम लोगों ने जो एक सीरीज एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो क्रम हम लोगों ने इसका याद किया हुआ है डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो लगभग सभी एनिमल्स में एक जैसा ही होता है। आपका माउथ के बाद माउथ लीड्स इनटू द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंक्स। देन फेरिंक्स लीड्स इनटू द ओएसोफेगस। ओएसोफेगस लीड्स इनटू द आपका स्टमक। स्टमक इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के बाद देन एनस। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। बस सभी एनिमल्स में आपका क्रम सेम होता है, बस इन ऑर्गन्स में कुछ जो है विशेषताएं होती है उनके बारे में, यानी कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं उसमें, उसी के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम माउथ। तो सबसे पहले जब हम माउथ से स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे द पोजीशन ऑफ दिस ऑर्गन। हम इस माउथ के पोजीशन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि माउथ इज सिचुएटेड, इस एनिमल में जो माउथ सिचुएटेड है इट इज एंटीरियो वेंट्रल इन पोजीशन। ये आपका एंटीरियो वेंट्रल है। सपोज देन वही बात कि अगर हम अपने इस हैंड को ब्रैंकियोस्टोमा माने तो आपका जो माउथ की पोजीशन होगी इस तरीके से एंटीरियर की तरफ वेंट्रल साइड में माउथ होगा। तो यहाँ यानी आपका जो भी फूड या पानी है वो ये रोस्ट्रम आगे तक गया हुआ है। रोस्ट्रम के नीचे आपका वेंट्रल साइड में माउथ सिचुएटेड है, एंटीरियर की तरफ वेंट्रल साइड में। देन हम बात करें माउथ की, तो माउथ आपका यहाँ पे इस तरीके से इट इज़ गार्डेड बाई, ये जो आपका माउथ है ये गार्डेड होता है, चारों तरफ से घेरा होता है जो है आपका एक फ्रिल, जो अगर हम सीलिया की फ्रिल बोलें इसे तो इट इज़ कॉल्ड ओरल सीरी। तो आपका माउथ जो है ओरल सीरी से गार्डेड होता है। ये ओरल सीरी आपके 5 से 15-12 जो है पेयर्स में होते हैं। और ये ओरल सीरी आपके जो है अंदर की तरफ जिस पे अटैच होते हैं उसे हम लोग ओरल हुड बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया ये ओरल हुड अभी हमने इस तरीके से देखा हुआ है, ये पूरा सर्कुलर अगर हम देखें तो इस तरीके से सर्कुलर होगा। अगेन हम अपने 3D फिगर जो हमने प्रीवियस टॉपिक में बात किया था, हम अपने 3D स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ दिस एनिमल ब्रैंकियोस्टोमा, जो कि मैंने आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। तो दीज आर द ओरल सीरी। और अगर हम बात करें तो सपोज ये जो ये आपका अभी माउथ है ये थोड़ा सा आप इसको वेंट्रल की तरफ मान लीजिए। आप यहाँ पे मैंने ये वेंट्रल की तरफ नहीं बना पाया है, बट आप इसको थोड़ा वेंट्रल की तरफ मान लीजिए। और जो आपका ये इस तरीके से ये पाया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे ये अटैच है, ये ओरल सीरी जहाँ पे आपके अटैच हैं, इस अटैच्ड हार्ड कवर हार्ड वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, आपका ओरल हुड बोलेंगे। ठीक है, तो ओरल हुड पे आपके बक्कल सीरी अटैच है और ईच सभी बक्कल सीरी के पास आपके सेंसरी पैपिलाई पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये ओरल सीरी पे आपके सेंसरी पैपिला लगे होंगे, जो नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी मीन्स कि वो जो है आपके उसमें सेंस होगा, जो सेंसरी नेचर होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपका ओरल हुड से जो पानी एंटर करेगा तो सबसे पहले वो आपका जहाँ जाएगा दिस प्लेस इज कॉल्ड बक्कल कैविटी और इट इज कॉल्ड वेस्टिबुली इन ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में हम लोग इसे बक्कल कैविटी बोलते हैं और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वेस्टिबुली बोलते हैं। अब हम अगेन उस 3D फिगर में देखेंगे, सपोज आपका कोई फूड पार्टिकल, तो इसका जो फूड पार्टिकल होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके प्रोटोजोअंस,
आपके डायटम्स, छोटी छोटी एल्गी, ये सब ये खाता है। तो जब ये वेस्टिबुली बाहर की तरफ, जो आपके ओरल सीरीज तरीके से बाहर की तरफ लगे हैं, तो ये साइफ का काम करते हैं, मीन्स एक चलनी का काम करते हैं, जो कि लार्ज पार्टिकल को फूड माउथ के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। ये केवल जो भी आपका छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मार्ट पार्टिकल्स को ही माउथ के अंदर इंटर करने देंगे, क्योंकि जब ये माउथ के अंदर इंटर करेंगे तो ये सब के सब इस तरीके से क्लोज हो जाते हैं और किसी दूसरी चीज़ को फिर जो है माउथ के अंदर जाने नहीं देते हैं। तो होप सो आपको इस बक्कल हुड, आपका जो ये ओरल हुड है और बक्कल सीरी की पोजिशन समझ में आई होगी। और जैसे ही आपका फूड अब अंदर गया थोड़ा सा, तो जो ये वाली कैविटी होगी थोड़े अंदर, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपका जो है ये क्या कहलाएगी आपका, मैंने बताया इट इज कॉल्ड जो है बक्कल कैविटी और वेस्टिबुली। अब बक्कल कैविटी में आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग व्हील ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी में यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम लोग व्हील ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हील ऑर्गन जो आपका इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये उंगली की तरह अगर हम देखें तो व्हील ऑर्गन इस तरीके से आपका उंगली नुमा जो है इसी के एपिथीलियम से ही, इसी की जो आपका ये एनिमल है इसी की एपिथीलियम से ही इस तरीके से उंगली नुमा कुछ आपके प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड व्हील ऑर्गन। तो इस तरीके से ये चारों तरफ प्रेजेंट है। सपोज ये माउथ था, अब माउथ के बाद ये इस तरीके से उंगली लाइक जो प्रोजेक्शन है ये चारों तरफ से, और व्हील क्योंकि चारों तरफ प्रेजेंट है और हम इसको बोल रहे हैं व्हील, व्हील मीन्स आपका चक्र होता है, मीन्स कि ये जो व्हील आपका है ये मूव कर सकता है, ठीक है। ये मूविंग ऑर्गन है, या हम लोग इसको बोलते हैं इसके पास व्हर्लिंग नेचर होता है, WHWHIRLING व्हर्लिंग नेचर, ठीक है। कुछ जो है ये मूव कर सकता है। और अगर हम बात करें तो ये जो है आपका, तो इस फिगर में अब हम इसको देखेंगे व्हील ऑर्गन को, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। अब हम सारे वेस्टिबुली को पहले बाहर की तरफ इसको कर लें, सारे जो है आपके ओरल सीली को, सॉरी नॉट वेस्टिबुली, हम सारे ओरल सीली को अगर बाहर की तरफ कर लें, थोड़ा पेशेंसफुली आप देखिए तो आपको बात समझ में आएगी। अब हमने सारे अपने ओरल सीली को इस तरीके से बाहर कर दिया, और अब हम इसमें बात करें तो थोड़ा सा मैंने इस फिगर को जूम करवाया हुआ है, तो आप देखेंगे ये ओरल सीली के बाद ये अंदर ये दिस इज कॉल्ड व्हील ऑर्गन, ये आपका व्हील ऑर्गन है। और फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको ये दिख रहा है, दिस फिंगर लाइक जो है ये देखिए ये सिलिएटेड ऑर्गन इज कॉल्ड व्हील ऑर्गन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मुलर ऑर्गन। इसमें से आप देखेंगे जितने भी फिंगर प्रोजेक्शन हैं सब एक बराबर है, लेकिन एक प्रोजेक्शन है वो थोड़ा बड़ा है। ये देखिए, ये मैं फिगर में दिखा रही हूँ, एक प्रोजेक्शन थोड़ा बड़ा है और ये आकर के आपके जो है चिपक गया है, किससे ये चिपक गया है, आपके डॉर्सल वाले हिस्से में चिपक गया है, यानी नोटोकॉर्ड से चिपका है। अगर हम देखेंगे तो ये दिस इज द लार्जेस्ट जो है ग्रू आपका लार्जेस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये इसमें खांचे बने हुए हैं, ग्रूव बने हुए हैं, ग्रूव मीन्स गड्ढा, वो सभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में गड्ढे बने हैं। और ये व्हील ऑर्गन अपनी जगह में इस तरीके से मूव करता है अंदर, और मूव करके वाटर को अंदर की तरफ खींचता है, मीन्स वाटर को स्वैप करता है, स्विप अप, जैसे हम चूसते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसी तरीके से जब ये आपका व्हील जो है राउंड करेगा तो वो पानी को अंदर की तरफ मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। अब आप बात करेंगे जो ये हमारा ये लंबा वाला ग्रूव, जो लंबा वाला ग्रूव है या जो लंबा वाला प्रोजेक्शन है, ये लंबा वाला प्रोजेक्शन नोटोकॉर्ड के साथ चिपका हुआ है। इसी लंबे वाले प्रोजेक्शन पर जो है आपका ग्रूव पाया जाता है जिसे हेड्स चेक ग्रूव, और एक पिट पाया जाता है जिसे हेड्स चेक पिट बोलते हैं। तो होप सो आपको हेड्स चेक पिट और हेड्स चेक पोजिशन की जो है पोजिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Now we are seeing here again in this structure, these are the longitudinal fold, जिस fold की बात हम कर रहे थे, each and every fold are equal in size, सभी fold आपके equal size के हैं, but only one fold is enlarged and that enlarged fold is attached with, आप देखिए in this figure, this large fold is attached with the आपके notochord से, this is the notochord, आपका ये notochord से attach है, और ड्यू टू दिस अटैचमेंट यहाँ पे, ये अटैचमेंट के बाद यहाँ पे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेड्स चेक पिट और हेड्स चेक ग्रूव।
अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ दिस हेडस्टेक ग्रूव एंड हेडस्टेक पिट। तो आपका हेडस्टेक ग्रूव या हेडस्टेक पिट जो होता है वो आपका सिक्रेटरी इन नेचर होता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। और हेडस्टेक पिट जो आपका है, हेडस्टेक पिट जो है वो सेंसरी इन नेचर होता है, और इसके बाकी के जो भी आपका फंक्शन है वो अभी अननोन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो होप सो आपको ये व्हील ऑर्गन की पोजीशन और व्हील ऑर्गन का वर्क समझ में आया होगा। दिस व्हील ऑर्गन इज रोटेटरी इन नेचर, ये रोटेटरी नेचर का होता है, रोटेट करके वाटर को स्वे अप करता है, मींस वाटर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वाटर आपका बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बक्कल हुड और ओरल सीलीज से होता हुआ देन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिबुली, देन वेस्टिबुली से होता हुआ आपका व्हील ऑर्गन से पास करेगा। नाउ आफ्टर दिस व्हील ऑर्गन अगेन, आफ्टर दिस व्हील ऑर्गन अगेन अराउंडेड जो है आपका सीलियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट, एंड दैट सीलियरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेलम, दैट सीलिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेलम। तो वेलम, अब आइए हम अगेन अपने 3D फिगर में वेलम की पोजीशन देखते हैं। तो आपको ये अगेन आप इस एनिमल की पोजीशन को पूरा देख लीजिए 3D स्ट्रक्चर में। तो दिस इज ओरल हुड, ये ओरल हुड है, और ओरल हुड के साथ आपके ये बक्कल सीरी लगे हुए हैं, और इस बक्कल सीरी पे आपके सेंसरी पेपिलाई पाए जाते हैं जो सेंसरी नेचर के होते हैं। आफ्टर दिस बक्कल सीरी दिस पोजीशन इज कॉल्ड ये दिस वन जिस पे मैं अभी ये मार्कर जो है मूव कर रही हूँ, दिस इज द पोजीशन ऑफ बक्कल कैविटी वेस्टिबुली, वेस्टिबुली के बाद आपका दिस इज द व्हील ऑर्गन, ये अंदर की तरफ आपका दूसरा वाला व्हील ऑर्गन है, और ये हेडस्टेक पिट है, ये जो ये ऊपर की तरफ ये लंबा सा लगा हुआ है, ये लंबा वाला ये आपका नोटोकॉर्ड से चिपका हुआ है, दिस इज कॉल्ड हेडस्टेक पिट और हेडस्टेक ग्रूव। ये तो ये आपका हेडस्टेक पिट और हेडस्टेक ग्रूव कहलाता है। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। दिस वन ये जो मैंने अभी कलर किया, दिस इज ये सबसे लॉन्गेस्ट आपका होता है। इसके बाद अगर हम अंदर की तरफ देखें तो जहाँ पे मेरी ये उंगली है, ये उंगली, ये आपके जो लॉन्गिट्यूटनल ये जो सीरी है चारों तरफ सर्कुलर मोशन में पाए जाने वाले, ये सीरी आपका वेलम को शो कर रहे हैं। और जैसे ही फूड अंदर जाएगा, ये सीरी, इन सीरी के पास स्पिंचर लगे होते हैं, मीन्स चारों तरफ मसल की एक लेयर होती है। जब आपका ये स्पिंचर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो आपकी ये पोजिशन, ये जहाँ से मेरी उंगली अंदर आ रही है, ये आपका कहलाता है इंट्रोस्टोम। ये इंट्रोस्टोम बंद हो जाएगा जब आपके स्पिंचर क्लोज होगा, मीन्स जब मसल्स आपकी क्लोज होंगी, जब इसको फूड नहीं लेना होगा, तो स्पिंचर की सहायता से ये वेलम को बंद कर लेगा, यानी इस रास्ते को, इंट्रोस्टोम वाले रास्ते को बंद कर लेगा। और जब इसको फूड लेना होगा, इनटेक करना होगा, तो ये इस रास्ते को यानी इंट्रोस्टोम को ओपन करेगा ड्यू टू द स्पिंचर्स। तो आपको सबसे बाहर वाली लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, और फिर सबसे अंदर वेलम वाली लेयर के बारे में समझ में आया होगा इस 3D फिगर से। वेलम, हमारा वेलम के पास कुछ स्पिंचर्स लगे होते हैं, मतलब मसल की जो है इस तरीके से मसल की कवरिंग होती है, ये मसल के बैंड होते हैं, ये मसल के बैंड जो है आपके इस जो है वेलम को, इस सपोज ये वेलम है, तो ये जब वेलम को इन्हें बंद करना होगा, तो इस तरीके से ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जब इन्हें वेलम खोलना होगा, तो ये जो है मसल को फिर रिलैक्स कर देंगे, देन कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो वेलम की जो ये पोजिशन है जहाँ से फूड इंटर करता है, दिस इज कॉल्ड इंटरोसोम। और जब आपका वेलम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इंट्रोसोम बंद होगा, मीन्स आपका ये खाना जाने का जो रास्ता है वो बंद होगा, और जब ये आपका रिलैक्स होगा, तो वेलम खुला होगा। तो आइए हम एक छोटे से फिगर से इसको देखें। तो ये आपके ये इस तरीके से, तो ये हो गए, यहाँ पे आपके मसल के स्पिंचर पाए जाते हैं, जो स्पिंचर्स इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर कंट्रोल्ड बाय दिस स्पिंचर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सीलिया सीरी या सीलिया ऑफ दिस वेलम। तो ये आपके ये वेलम की पोजीशन हो गई, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड इंट्रोसोम। This opening is called इंट्रोस्टोम। अब हम बात करेंगे, कुछ जो जूलॉजिस्ट थे वो इंट्रोस्टोम को ही ट्रू माउथ बोल मतलब कह रहे थे, बट इट इज रॉन्ग, बिकॉज
जो हमारा ट्रू माउथ होता है या जो हमारी बक्कल कैविटी होती है वहाँ पे आपके एक्टोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आपके इंडोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंडोडर्म लाइनिंग हेयर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इंट्रोस्टोम है वो ट्रू माउथ नहीं है। ठीक है, अगेन आप इस बात को, मेरी बात को ध्यान से समझिए। कुछ जो जूलॉजिस्ट का कहना है कि इंट्रोस्टोम ही ट्रू माउथ है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज हेयर द लाइनिंग ऑफ इंडोडर्म इज प्रेजेंट, यहाँ पे इंडोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट है, जबकि ट्रू माउथ होने के लिए आपका वो एक्टोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगेन अब हम फूड को देखेंगे कि फूड जब अंदर आया तो आपका कैसे जो है वो आपका इंट्रोस्टोम तक पहुंचा। तो फूड बाहर से कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, अगर लार्ज पार्टिकल है वो तो यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, देन जो है इस व्हील ऑर्गन के रोटेटरी मोशन की वजह से, इस तरीके से रोटेटरी मोशन की वजह से व्हील ऑर्गन के ये रोटेट करता है, तो रोटेटरी मोशन की वजह से पानी को स्वयप मिलता है, अंदर की तरफ पानी को मूवमेंट मिलता है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये लिए हुए पानी बक्कल कैविटी में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी फूड यहाँ पर वेलम में मैंने आपको बताया स्पिंचर लगे होते हैं, अब जब इनका सेलेक्टेड फूड होता है तो वो स्पिंचर जो है आपके रिलैक्स हो जाएंगे और जो है इंट्रोसोम को की ओपनिंग को खोल देंगे और फूड को अंदर ले लिया जाएगा इनटू द फेरिंग्स। और अगर इनको कोई पार्टिकल नहीं पसंद है या लार्ज है तो क्या होगा, आपका स्पिंचर की सहायता से वेलम अपने इस पोर को पूरी तरीके से बंद कर लेगा, और बंद करने के बाद यहाँ पे एक जो है अगेन अपोजिट मूवमेंट होगा, और फिर जो है ये आपका जो भी फूड पार्टिकल है वो रिटर्न बैक हो जाएगा फ्रॉम आउटसाइड। तो होप सो आपको हेड स्टेट पिट और व्हील ऑर्गन, देन वेलम में स्पिंचर, और जो है सेंसरी जो आपके पैपिला हैं और ओरल सीरी, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम इसको एक इसका जो है इसको ओपन करके, अगर हम यहाँ पे एक नेक्स्ट फिगर में देखेंगे इसको ओपन करके, तो ये आपका ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, दिस इज़ द नोटो पार्ट और दिस इज़ द रोस्ट्रम पार्ट। और आपके जब हम किसी भी इस तरह की चीज़ है, सपोज़ ये एनिमल है, ये एनिमल के पास बक्कल सीरी, इस तरीके से बक्कल सीरी आगे थे, अब हमने क्या किया इस एनिमल को ऐसे खोल करके ऐसे रख दिया है। तो ऐसे खोलने के बाद जब हम देखेंगे तो बीच में सपोज़ ये हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था जो वाइट कलर की है, तो ये नोटोकॉर्ड खोलने के बाद हमें बीच में नज़र आएगी, तो दिस इज़ द नोटोकॉर्ड विच इज़ सिचुएटेड इन द मिड। और मैंने आपको बताया कि जो व्हील ऑर्गन है, दिस व्हील ऑर्गन ग्रीन इन कलर से जो मैंने बनाया है, ये भाई चारों तरफ होगा इसके, ये नोटोकॉर्ड बीच में प्रेजेंट थी, व्हील ऑर्गन चारों तरफ से था, तो ये व्हील ऑर्गन भी अब इस तरीके से ओपन हो गया, तो इसमें से ये जो बीच वाला जो आपका ग्रूव, बीच वाली जो आपकी प्रोजेक्शन है, फिंगर प्रोजेक्शन या बीच वाली जो सीलिया है सबसे बड़ी होती है, इसी पे ही आपका हेड स्टेट पिट पाया जाता है, और इसी पे ही खड्डे नुमा यानी कि गड्ढे नुमा जो है इस संरचना पाई जाती है, ग्रुप्स जिसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड हेड स्टेट ग्रुप। और ये हेड स्टेट ग्रुप और हेड स्टेट पिट मैंने आपको बताया म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, जो कि फूड के साथ जो है म्यूकस मिलता रहता है। तो होप सो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और ये मैंने वेलम की पोजीशन बनाई है, जिस तरीके से मैंने आपको वेलम के टेंटिकल्स यहाँ दिखाए थे, ये टेंटिकल्स, उसी तरीके से ये वेलम के टेंटिकल हैं, जब भी इन्हें फूड को जो है लेना होगा तो इंट्रोसोम आपका खुल जाएगा, जब फूड को नहीं लेना होगा तो इंट्रोसोम आपका बंद हो जाएगा। तो होप सो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लीड करते हैं द फूड इट लीड्स, या हम बात करें द जो है आपका बक्कल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स। तो आइए हम नेक्स्ट फेरिंग्स के बारे में देखते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरिंग्स रीजन के बारे में। तो आपका जो फेरिंग्स रीजन है, RYNX फेरिंग्स रीजन की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लें इसका फेरिंग्स रीजन में जो है वो गिल्स की प्रेजेंस होती है। गिल्स की प्रेजेंस जो है कहाँ होती है, फेरिंग्स रीजन में होती है। प्रीवियसली जो एनिमल हमने हर्डमानिया पढ़ा था, हर्डमानिया में भी हमने देखा था कि फेरिंग्स रीजन में ही गिल्स की प्रेजेंस है, और जो भी वाटर हमारा माउथ से इंटर किया थ्रू व्हील ऑर्गन और वेलम से होता हुआ, फिर वो आपका फेरिंग्स रीजन में आया। अब यहाँ पे आपके गिल्स हैं जो कि परफोरेटेड हैं, जो है गिल स्लिट से जो वाटर जो है निकलता है वो
गिल स्लिट से होता हुआ एट्रियम कैविटी में आ जाता है, और एट्रियम कैविटी से होता हुआ देन फिर ये एट्रियोपोर से जो है वाटर बाहर निकल जाता है। फेरिंग सीजन को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं वो यहाँ हम देख लेते हैं, और कैसे जो है हमारी गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे हमारा फूड अब यहाँ पे इनटेक किया जाता है, और आगे फिर फर्दर फेरिंग्स के बाद ऑइसोफेगस से फिर आपका इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, इस चीज़ को अब हम इन देखते वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फेरिंग्स रीजन होता है वो तीन भागों में बटा होता है। सबसे पहले जो हमारा रीजन है वो है हमारा एंटीरियर की तरफ, ये दिस वन जो मैंने ब्लैक कलर से और सिलिएटेड बनाया है ये वाला रीजन जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पेरी फेरिंजियल ग्रूव या पेरी फेरिंजियल बैंड, इसको आप दोनों चीज बोल सकते हैं, पेरी फेरिंजियल ग्रूव और पेरी फेरिंजियल बैंड। तो प्रीवियसली हमने जब इससे पहले एनिमल की स्टडी की थी हर्डमानिया की, तो ये इसको आप हर्डमानिया मानिए, तो ये आपका ब्रेंकियल सिफॉन है, और ब्रेंकियल सिफॉन से पानी जो है इंटर होता है आपका एट्रियम में इंटर होता है, या हम बोलेंगे फेरिंग्स में इंटर होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि आपका जो ब्रेंकियल सिफॉन है और एट्रियम के बीच में आपका पेरी फेरिंजियल जो है बैंड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मानिए ये ब्लैक कलर का ये पेरी फेरिंजियल बैंड हो गया। तो सेम यहाँ पे भी आपका जो है सीधे वेलम के बाद आपका फेरिंग्स में और एंटीरियरली आगे की तरफ पेरीफेरी में एक बैंड प्रेजेंट है जिसको हम लोग पेरीफेरिंजियल बैंड कहते हैं। अभी आगे हम इसका वर्क आपको बताएंगे, और साथ ही साथ वेंट्रल साइड में ये रेड कलर से सिलिएटेड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी प्रीवियसली इस बात को बताया कि ब्रेंकियोस्टोमा में जो आपकी इंटरनल लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड होती है, ये सिलिएटेड होती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडोस्टाइल रीजन जो इसका नीचे की तरफ है वो सिलिएटेड है। और ऐसा ही हमने हर्डमानिया में भी पढ़ा था कि हमारा हर्डमानिया में भी जो इंडोस्टाइल रीजन होता है नीचे की वेंट्रल की तरफ इंडोस्टाइल रीजन पाया जाता है। और अब हम बात कर ले तीसरा रीजन फेरिंग्स में ब्रेंकियोस्टोमा में, जो तीसरा रीजन है वो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाया है, जिसको हम लोग तो नीचे इंडोस्टाइल वाले रीजन को हम लोग हाइपो फेरिंजियल बैंड बोलते हैं, और उसी तरीके से ऊपर ये ग्रीन वाले को हम लोग, नीचे वाला हाइपो हो गया तो ऊपर वाला हो जाएगा हाइपर पेरी फेरिंजियल बैंड। तो बात को समझिएगा, फेरिंग्स रीजन को सबसे पहले हम अभी आपको यहाँ पे गिल स्लिट्स की प्रेजेंस बताएंगे। गिल स्लिट्स की प्रेजेंस से पहले हम देख लें कि फेरिंग्स रीजन को हमने तीन भागों में बांटा, एक आपका वेंट्रल साइड में हाइपोफेरिंजियल बैंड या इसको हम लोग इंडोस्टाइल भी बोलते हैं, दूसरा हमने बांटा हाइपरफेरिंजियल बैंड ऊपर की तरफ बिल्कुल सरफेस पे जो है इसके रूफ पे प्रेजेंट, यानी कि आपके फेरिंग्स के रूफ पे जो बैंड प्रेजेंट है उसे हम लोग हाइपरफेरिंजियल बैंड बोलेंगे। और आपका ये स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा मिटा दिया कि आपको फिगर स्पेसियस दिखे, और आपका जो आगे की तरफ जो है बैंड प्रेजेंट है उसे हम लोग पेरीफेरिंजियल बैंड बोलते हैं। तो होप सो आपको तीनों जो है बैंड की पोजीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे गिल्स लिट्स की प्रेजेंस। तो गिल्स को देखिएगा, यहाँ पे हम जो है गिल्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे पाई जाती है वो ब्लड वेसल इस तरीके से उसकी एक सप्लाई इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरीके से जो है आपके ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, और जो भी गिल स्लिट आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आपकी एक गिल स्लिट्स मैंने बनाया तो ये प्राइमरी गिल स्लिट हो गया, उसके बाद इससे जो दूसरा गिल स्लिट जुड़ा रहेगा ये इस तरीके से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसी गिल स्लिट को मैंने यहाँ पे थोड़ा लार्ज फॉर्म में बनाया है, तो जो आपका ये बीच वाला स्पेस हुआ खाली स्पेस इट इज कॉल्ड, जो ये आपका कहलाता है गिल स्लिट, जहाँ से आपका पानी एट्रियम में बाहर आएगा, और इसको जो भी इसकी कैविटी होगी, जो कैविटी यहाँ पे जो है बनेगी अब खाली स्पेस इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग जो है फेरिंजियल कैविटी कहेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो भी यहाँ पे गिल्स पाए जाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे लंबे लंबे ये गिल्स प्रेजेंट हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वाले में इस तरीके से ब्रांचिंग यहाँ पे जो है ब्रांचिंग पाई जाएगी,
और आपके यहाँ पे गिल्स जो है मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपका इस तरीके से यहाँ पे ब्रांचिंग, तो ये मेन ब्रांच जो हो गई ये आपकी हो गई ब्लड वेसल की, और उसी से जो ये साइड वाली ब्रांच हो गई उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिकुलम जो है ब्रांच। तो ये ब्लड वेसल है आपकी, ये ब्लड वेसल इससे जो है कनेक्टेड जो है रहती है, जो दो और दो दो जो है आपके प्राइमरी, सपोज ये प्राइमरी गिल बार है, ये सेकेंडरी गिल बार है, दो प्राइमरी गिल बार को सेकेंडरी गिल बार से कनेक्ट करने वाली जो है, जो कनेक्ट करने वाली ये जो है आपका जो कनेक्ट कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिकुलम। तो हमने इस चीज़ का ये इनलार्ज फॉर्म बनाया है, इस गिल स्लिट्स को हम यहाँ पे इनलार्ज फॉर्म में दो गिल स्लिट को दिखा रहे हैं, मीन्स दो गिल की पोजीशन को दिखा रहे हैं, उनके उनके बीच के स्पेस को हम लोग गिल स्लिट बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो है जो भी आपके ये ब्लड वेसल है इसको देख लीजिएगा, ये क्योंकि अब हमने गिल्स को ऐसे कट किया है तो कट करने के बाद हमको जो ब्लड वेसल है वो कट यानी इस तरीके से राउंड राउंड कटिंग कट फॉर्म में दिखेगी, और मैंने आपको बता दिया कि दो गिल स्लिट को जोड़ने वाले बैंड को जो है सिनेप्टिकुलम कहते हैं। तो आइए, ये हमारा प्राइमरी गिल है, ये हमारा सेकेंडरी गिल है। तो इसमें हम देखेंगे आपका जो आगे की तरफ इस तरह सीलिएटेड होगा, ये आगे की तरफ जो सीलिया पाए जाएंगे उसे हम लोग फ्रंटल सीलिया बोलेंगे, और आपका जो पीछे की तरफ जो है थोड़े बड़े बड़े सीलिया पाए जाएंगे इसे हम लोग एट्रियल सीलिया बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एट्रियम की तरफ है। अभी आप यहाँ गिल्स को देखेंगे, ये देखिए ये रेड कलर से ये मैं बना रही हूँ, तो ये एट्रियम की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ है, तो इसीलिए हम लोग इसको एट्रियल सीलिया बोल रहे हैं, और जो सीलिया आपके आगे की तरफ होंगे उसको हम लोग फ्रंटल सीलिया बोलेंगे, और जो सीलिया आपके बगल की तरफ होंगे इस तरीके से ये गिल्स में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लैटरल सीलिया। तो ये आपके हो गए, ये दिस वन दिस दिस, ये सब आपके हो गए लैटरल सीलिया। तो होप सो आपको ये सीलिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब इसी सीलिया के सीलियरी मूवमेंट से आपका फूड जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रंटल, FRONTL, फ्रंटल मीन्स फ्रंट की तरफ, एट्रियल मतलब एट्रियल की तरफ, एट्रियल कैविटी की तरफ पाया जाने वाला सीलिया, और ये लैटरल, लैटरल साइड में, लेटरल साइड में पाया जाने वाले सीलिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सीलिया। तो होप सो आपको ये सीलिया की वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम इसमें देख लें कि कैसे हमारा जो फूड है, जो कि हमारा बक्कल यानी हमारे ओरल हुड से होता हुआ बक्कल सीरी ने यहाँ पे साइव जैसी संरचना बनाई, मतलब छलनी का काम किया, और फूड हमारा व्हील ऑर्गन के पास आया, व्हील ऑर्गन ने जो है पूरे वाटर को एक जो है आपका व्हर्लिंग मूवमेंट या रोटेटरी मूवमेंट प्रोवाइड किया, जिससे हमारा जो भी फूड है वो वेलम से होता हुआ और फिर वो इंटर कर गया हमारे कहाँ, फेरिंग सीजन में। तो फेरिंग सीजन में अब हमने ये कंडीशन देखी, ये गिल स्लिट गिल्स की कंडीशन देखी, और दो गिल के बीच में जो है स्पेस को हम क्या बोलते हैं, गिल स्लिट बोलते हैं। और इन सब गिल्स के बीच में जो ये अभी कई सारे यहाँ पे गिल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे ना, ये एक की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे कई सारे इस तरह गिल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनके गिल के बीच में यहाँ पे देखिए मैंने ये 1, 2, 3 और 4 गिल बनाया हुआ है, मैं इसको भी आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो इनके बीच में जो ये स्पेस बचा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंजियल कैविटी बोलते हैं, फेरिंग्स की कैविटी। तो होप सो आपको यहाँ तक जो है बात समझ में आई होगी। आइए अब हम फूड की एंट्री देखते हैं। तो सपोज अब यहाँ पे भी हम फिगर में बना लें, ये हमारा जो नीचे वाला रीजन होगा, ठीक है, मैंने अब इसको इनलार्ज करके यहाँ बनाया है कि कैसे, मतलब इस वाले रीजन को इनलार्ज करके बनाया है कि कैसे आपका फूड मूवमेंट करेगा और कैसे जो है वो फेरिंग्स से होते हुए स्पेशली आपका पीछे ऑइसोफेगस की तरफ जाएगा। तो इस बात को आप यहाँ पे क्लियर कट समझ लीजिए, फिर फीडिंग और जो हम अभी फीडिंग मूवमेंट आपको बताएंगे वो आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए ये आपका नीचे जो वाला रीजन हो गया, इट इज़ कॉल्ड इंडोस्टाइलर रीजन, मीन्स आपका इंडोस्टाइल रीजन। तो ये इंडोस्टाइल और इंडोस्टाइल के पास जो सीलिया पाए जाएंगे, ठीक है, ये मैंने बना दिए रेड कलर से, ठीक। अब आपका जो ये आपका जो है ग्रीन कलर से जो मैंने ये ऊपर वाला रीजन बनाया था आपका, मीन्स रूफ वाला रीजन जो कि फेरिंग्स का रूफ है, जिसको हम लोग हाइपर फेरिंजियल रीजन बैंड बोलते हैं, ये हाइपर फेरिंजियल का सीलिया हो गया। और अब क्योंकि फूड की फूड तो इधर ओरल कैविटी से, ये इधर से आ रहा है ना, ये आपका माउथ से, तो जब माउथ से फूड इंटर किया तो ये फूड अंदर आया, तो इधर पाए जाने वाले बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी फेरिंजियल बैंड।
तो पेरिफेरेंजियल बैंड को ये मैंने ब्लैक कलर से दिखा दिया। बस आपके इसी फिगर को मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके और दो तीन सीलिया के बीच में और सॉरी दो तीन जो है गिल्स के बीच में मैंने आपको इसे समझाने के लिए बनाया है। तो ये इसका सीलिया हो गया, ठीक है। और अब एक गिल का सीलिया देख लीजिए। तो एक गिल के सीलिया में हम देखेंगे तो पीछे की तरफ पाया जाने वाला सीलिया एट्रियल सीलिया और दोनों लेटरल साइड में पाया जाने वाला सीलिया लेटरल सीलिया कहलाएगा। ये एक गिल है, तीन नंबर गिल को मैं पूरा इनलार्ज कर रही हूँ, तो लेटरल सीलिया और फ्रंटल की तरफ पाया जाने वाला सीलिया फ्रंटल सीलिया। फिर इसका पीछे वाला सीलिया और ये लेटरल वाला सीलिया और इसका ये लेटरल वाला सीलिया, देन इसका फ्रंटल सीलिया। सेम आप इधर भी कर लीजिएगा, ये लेटरल सीलिया और ये लेटरल सीलिया और ये आपका एट्रियल सीलिया और ये फ्रंटल सीलिया। तो सपोज अब आपका फूड माउथ के अंदर इंटर कर गया, इंट्रोसोम से होता हुआ जो भी आपका वैलम था, वैलम से होता हुआ अंदर आ गया। क्योंकि आपको पता है अब ये फूड जो अंदर आया तो ऐसा तो नहीं है कि ये सीधे जा करके ऊपर चिपक जाएगा, और क्योंकि आप देख रहे हैं फूड आएगा तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ जो है जा करके नीचे गिरेगी फूड, ठीक है। हम भी अपने माउथ में जब भी कोई खाना खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जीभ में या ऊपर जा करके हमारे तलवे में चिपक जाएगा, ठीक है। हमें उसे मूवमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है जो है फूड को। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फूड आया वो सीधे आपका आकर के इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ठीक। तो होप सो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो जो फूड आया आपका अब यहाँ पे वो ये है, ठीक है। ये कोई फूड पार्टिकल है, सपोज ये फूड पार्टिकल है। अब आपका पता है आपको इंडोस्टाइल से म्यूकस का सिक्रीशन होता है और हेडस्टेक ग्रूव हेडस्टेक पिट से हमने देखा था कि यहाँ पे आपका म्यूकस का सिक्रीशन होता है और फूड ऑलरेडी म्यूकस के साथ पूरा लिपट चुका होता है। कहाँ पे? हेडस्टेक पिट और हेडस्टेक ग्रूव से निकलने वाले जो है म्यूकस से। अब हमारा ये म्यूकस से भरा हुआ फूड सीधे जाकर के हमारे नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे इंडोस्टाइल में चिपक गया। अब इंडोस्टाइल के सीलिया इस तरीके से मूव कर रहे हैं और साथ में फ्रंटल सीलिया भी मूव कर रहे हैं और इसी तरीके से मूवमेंट से हमारा जो फूड है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। ये सब अब ये मैंने बहुत यहाँ पे आपको दूरी बना के दिखाया है, ये बहुत पास पास है सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत दूरी बना रखी है बट ये सब चीज़ें बहुत पास पास हैं। ये सीलिया का मूवमेंट इस तरीके से फूड में हो रहा है, नीचे वाले सीलिया का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है और ये वाला सीलिया लेटरली यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसने फूड को इधर धकेला, फूड नीचे चला गया। इस वाले सीलिया ने फिर फूड को अगेन ऊपर की तरफ मूव किया, फिर इस तरीके से सीलिया जो है इस तरीके से फूड आपका सीलियरी मूवमेंट से ऊपर की तरफ उठेगा। और क्योंकि अब ये फूड आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो चुका है, पूरा बेलनाकार हो चुका है, ठीक है। म्यूकस के साथ मिल करके इसको इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे मथ दिया गया है सब, ऐसा आप समझिए चाइम, जैसे हमारे बॉडी में फूड चाइम में बदल जाता है उसी तरीके से यहाँ पे म्यूकस के साथ जो है फूड एकदम जो है सिलेंड्रिकल हो गया है। अब वो फूड आपका आकर के ये अब आप यहाँ पे देखिएगा दिस रीज़न, तो ये अब आपका फूड यहाँ से ऊपर उठते उठते ये फूड यहाँ पे आ गया है। नाउ द अब जो आपका फूड है वो चला जाएगा आपके फेरिंग्स लीड्स इनटू द आइसोफेगस। आपका फेरिंग्स जो लीड करेगा किसमें लीड करेगा? आइसोफेगस में। अब फूड को आइसोफेगस में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ तक होप सो आपको बात समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट इज आइसोफेगस। आइसोफेगस अगेन सिलिएटेड जो है आपका पोर्शन है, उसकी जो इंटरनल की वॉल है वो पूरी तरह से सिलिएटेड है, बहुत शॉर्ट आइसोफेगस इसमें पाया जाता है। देन आइसोफेगस लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन इसकी जो है वो लंबी होती है, जैसे इसकी एट्रियल या हम बात करें जैसे इसका फेरिंजियल कैविटी बड़ी होती है, उसी तरीके से इसका जो इंटेस्टाइन होता है वो भी थोड़ा लंबा होता है। तो आइए अब हम इंटेस्टाइन वाले रीजन को देखते हैं। इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन को यहाँ पे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। तो जो सबसे पहला रीजन हमारा है दैट इज मिडगट, और दूसरा रीजन है हमारा डाइवर्टिकुलम, और तीसरा रीजन है हमारा हाइंडगट। तो ये तीनों आपके इंटेस्टाइन के रीजन है। सबसे पहले हम मिडगट की बात कर लें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रीजन है, यहाँ आपका इतनी दूर ये आइसोफेगस हुआ, आइसोफेगस लीड्स इनटू द मिडगट, तो ये आपका मिडगट वाला रीजन हुआ। मिडगट के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो मिडगट है वो एंटीरियरली एंटीरियर की तरफ
जो है डाइवर्ट हो गया है। तो ये देखिए ये मिडगट हमारा ये पूरा एंटीरियर रीजन की तरफ मीन्स आपके थोड़ा सा फेरेंजियल कैविटी की तरफ जो है डाइवर्टेड है, एंटीरियर की तरफ डाइवर्टेड है। सो इट इज़ कॉल्ड जो है मिडगट डाइवर्टिकुलम, हम लोग इसको डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिडगट डाइवर्टिकुलम। ठीक है, मिडगट डाइवर्टिकुलम। और हम आपको बता दें कि जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है यहाँ पे आपका लीवर की तरह वर्क करता है। मिडगट डाइवर्टिकुलम इन ब्रैंकियोस्टोमा इज आल्सो कॉल्ड लीवर। यहाँ पे पाई जाने वाली जो जाइमोजन सेल्स होती हैं इसमें कुछ जो है जाइमोजन सेल पाई जाएंगी, वो जाइमोजन सेल आपका जो है डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेंगी, मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी और उस डाइजेस्टिव एंजाइम से आपका मिडगट में जो है किसका डाइजेशन शुरू हो, आपका इसका डाइजेशन मिडगट में शुरू होगा। ठीक है, होप सो आपको बात समझ में आई होगी कि आपके डाइवर्टिकुलम में पाई जाने वाली जाइमोजन सेल जो है आपका एंजाइम का सिक्रीशन करती है और ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ शुरू होता है, मिडगट में शुरू होता है। अब मिडगट के पीछे हम बात करेंगे आपका क्या पाया जाता है, हाइंड गट। और हाइंड गट में ही आपके जो सीलिया हैं वो इलियोकोलिक रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स आपके यहाँ पे अब जो है सीलिया जो पाए जाएंगे वो फूड को आप पोस्टीरियर की तरफ जो है मोशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो सीलिया पाए जा रहे थे मिडगट में, मिडगट के सीलिया फूड को जो है वो भेजते हैं आपके हाइंड ये मिडगट डाइवर्टिकुलम की तरफ। अब मिडगट डाइवर्टिकुलम में पाए जाने वाले सीलिया फूड को जो है हाइंड गट की तरफ भेजेंगे। हाइंड गट में हमारे जो है कुछ सीलिया की इस तरीके से सीलिएटेड रिंग पाई जाती है, ये सीलिएटेड रिंग है, दिस इज सीलिएटेड रिंग, पूरे रिंग के फॉर्म में मीन्स रिंग। ठीक है, गोले के फॉर्म में सीलिया पाए जाते हैं जिसे हम लोग इलियोकोलिक रिंग बोलते हैं। ठीक है, इलियोकोलिक रिंग। अब ये इलियोकोलिक रिंग क्या करेगी, जो है फूड को पीछे की तरफ इस तरीके से जैसे हम बेलनाकार जो है किसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से रोल करें रोलिंग बोर्ड पे बेलन पे जैसे हम लोग बेलन चलाते हैं, तो उसी तरीके से जो इलियोकोलिक रिंग है वो फूड को जो है एक मोशन प्रोवाइड करेगी और फूड हमारा फिर धीरे 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 क्योंकि यहाँ से डाइजेशन शुरू हो गया है। जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो तो आपको पता है जो भी डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा धीरे 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 आपका कहाँ भेज दिया जाएगा, एनस की तरफ जो है भेज दिया जाएगा। अब आपको पता है एनस की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, आपके एट्रियम में ही होती है। तो इस तरीके से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जो है आपका एनस से होता हुआ और एट्रियोपोर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ थोड़ा क्लियर कट, ये आपका ये आया तो ये पोस्टीरियरली एनस की पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एनस, और ये आपका यहाँ पे एट्रियोपोर की पोजीशन है। ठीक है, तो अब आपका जो भी ये वेस्ट मटेरियल है ये इस तरीके से निकला और फिर एट्रियोपोर से बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। आपको मेरा जो है ब्रैंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे कैसे अपना वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ पे सीलिया प्रेजेंट हैं, कैसे सीलिया मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारा फीडिंग मैकेनिज्म कैसा है और फीडिंग मैकेनिज्म के जो है देखते हुए हम फिर इस जो है फिगर से समझेंगे कि जब आपका कोई अननेसेसरी फूड या कोई बड़ा पार्टिकल एंटर कर गया तो वो कैसे रिमूव किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसकी फीडिंग मैकेनिज्म। तो फीडिंग मैकेनिज्म, तो सबसे पहले हम इसके फूड के बारे में देख लें। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इसके फूड के बारे में बताया कि ये जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है फीड करता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डायटर्म्स प्रोटोजोआ को ये जो है खाता है। तो सबसे पहले जो सी वाटर है वो सी वाटर आपका ये ओरल सीरी से होता हुआ जो है आपका कहाँ आ जाता है, वेस्टिबुली या हम बोलेंगे आपका जो है ये बक्कल कैविटी में आता है। और इस ओरल सीरी पे इस तरीके से आपके सेंसरी पैपिला लगे होते हैं, ये सेंसरी पैपिला जो है फूड की जो वाटर की क्वालिटी है उसको चेक करते हैं कि ये वाटर माउथ में जाने लायक है कि नहीं। और उसके बाद बड़े पार्टिकल्स को, ये मैंने आपको बताया था कि बड़े पार्टिकल्स को जो आपके ये ओरल सीरी हैं वो इंटर नहीं करने देते हैं। तो अगेन हम अपने 3D स्ट्रक्चर से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। उठना पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके ओरल सीरी हैं। ठीक है, अब जब भी आपका कोई फूड पार्टिकल आया
तो जब फूड पार्टिकल माउथ के अंदर इंटर करेगा तो हम देखेंगे कि ये ओरल सीरी इस तरीके से एक चलनी नुमा जो है एक चलनी बना लेते हैं। जो भी आपके बड़े पार्टिकल होंगे वो बाहर रह जाएंगे और केवल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पे ये फीड करता है वही पार्टिकल आपका इंटर कर पाएगा। तो प्राइमरी जो लेयर आपकी है वो ओरल सीरी है। अब सेकेंडरी लेयर के बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर सेकेंडरी लेयर हमारा था व्हील ऑर्गन। इस सेकेंडरी लेयर जो हमारा था वो व्हील ऑर्गन था। तो मैंने आपको व्हील ऑर्गन के बारे में बताया था कि व्हील ऑर्गन रोटेटरी इन नेचर होता है और जो उसका सारे प्रोजेक्शन फिंगर लाइक जितने भी आपके टेंटिकल होते हैं व्हील ऑर्गन में वो सब एक बराबर होते हैं। केवल एक टेंटिकल जो डॉर्सल साइड में होता है वो सबसे लंबा होता है और वो जो है आपका डॉर्सल साइड में वॉल पे चिपका होता है। ठीक है, आपके डॉर्सल साइड में वॉल पे चिपका होता है और उसी वॉल पे आपका क्या पाया जाता है, हेड्स चेक पिट या फिर हेड्स चेक ग्रुप पाया जाता है। और हेड्स चेक पिट और हेड्स चेक ग्रुप से किसका सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। अब जो भी वाटर आपका हम देखेंगे, जो भी वाटर में सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो म्यूकस के साथ चिपक गए और पानी जो है इसी तरह अपने रनिंग कंडीशन में जाता रहेगा। अब ये चिपके हुए फूड पार्टिकल्स म्यूकस के साथ आपके वो आ जाएंगे कहाँ, अंदर इंटर कर जाएंगे आपके फेरिंजियल रीजन में। और फेरिंग्स रीजन में इंटर करने के बाद वो आपके फूड पार्टिकल्स आ जाएंगे कहाँ पे, इंडोस्टाइल के पास। और फूड पार्टिकल क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी की वजह से उनको वो नीचे ही चले जाएंगे, तो ये आपके फूड पार्टिकल हैं जो कि इंडोस्टाइल के पास आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से सील जो है गिल स्लिट्स के सीलियरी मोशन से, ठीक है, और इंडोस्टाइल के सीलिया से, पेरीफेरेंजियल ग्रूव के सीलिया के मोशन से और यहाँ पे भी निकलने वाले म्यूकस से जो कि आपका इंडोस्टाइल में भी जो म्यूकस निकलता है, ये सब जो है फूड को सिलेंड्रिकल बना देते हैं, कुछ बेलनाकार बना देते हैं। और ये सिलेंड्रिकल फूड आपका ऊपर की तरफ उठता है और उठने के बाद आपका जो है फेरिंग्स से ऑइसोफेगस में इंटर करता है। और ऑइसोफेगस से इंटर करने के बाद जो हमारा फूड होता है वो हमारा कहाँ इंटर करता है, मिड गट में इंटर करता है। अब मिड गट जो है हमारा काफी नैरोवर स्पेस होता है, छोटा स्पेस होता है, और मिडगट हमारा काफ़ी नेरोवर स्पेस होता है और यहाँ पे सीलिया पाए जाते हैं। और मिडगट के सीलिया के मोशन की वजह से हमारा फूड जो है यहाँ पे जो सीलिया होते हैं इस तरीके से, ये जंक्शन पे भी सीलिया पाए जाते हैं ऑइसोफेगस और मिडगट के जंक्शन पे, ये सीलिया फूड को जो है आगे की तरफ एंटीरियरली धकेल देते हैं। कहाँ, मिडगट डाइवर्टिकुलम में, मीन्स इस डाइवर्टिकुलम में ढकेल देते हैं। और इस डाइवर्टिकुलम में फूड जाने के बाद यहाँ पे आपका सीलिया से मोशन करके, और क्योंकि ये मिडगट डाइवर्टिकुलम लीवर की तरह वर्क करता है, यहाँ पे पाई जाने वाली जाइमोजन सेल जो है वो आपके एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। अब फूड जो है आपका वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है एंजाइम की सहायता से, क्योंकि आपको पता है प्रोटीएजेस और आपके जो है जो भी एमाइलेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ देंगे, एमाइलेजेस आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देंगे और लाइपेजेस आपके लिपिड को तोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा अब फूड सिलेंड्रिकल और बड़े फॉर्म में था वो छोटे छोटे फॉर्म में जो है टूट जाएगा। और फूड जो है छोटे छोटे फॉर्म में टूटने के बाद धीरे धीरे हमारा डाइजेशन जो है वो मिडगट डाइवर्टिकुलम में शुरू हो जाएगा। और अब ये फूड हमारा जो है सीलिया के मूवमेंट से, इसकी वॉल पे सीलिया पाए जाते हैं और इस सीलिया के मूवमेंट से इसको पोस्टीरियरली जो है मूवमेंट मिलेगा, मतलब पोस्टीरियर की तरफ ये आगे बढ़ेगा। कहाँ पे, हाइंड गट वाले हिस्से में, मतलब इंटेस्टाइन के हाइंड गट वाले हिस्से में। और इंटेस्टाइन के हाइंड गट वाले हिस्से में इस तरीके से सर्कुलर रिंग पाई जाती है, सीलिया की रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोकोलिक सिलिएटेड रिंग, मीन्स इलियोकोलिक सिलिएटेड रिंग। अब ये इलियोकोलिक सिलिएटेड रिंग क्योंकि सीलिया है तो गोलाई में मौजूद है, तो गोलाई में मौजूद सीलिया जो है फूड को धीरे 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 और ज़्यादा जो है इसको डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करते करते जो भी यहाँ पे मटेरियल है वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जो है आपका डाइजेस्टेड मटेरियल, और जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू एट्रियम कैविटी में निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है एनएस डायरेक्टली आउटसाइड बाहर नहीं खुलता है, इसलिए जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे छोड़ दिया गया, आपके जो है वो एट्रियल कैविटी में ही जो है वेस्ट मटेरियल छोड़ दिया गया। और अगेन ये मैंने एट्रियोपोर की जो है सिचुएशन बनाई है और फिर वो फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड एट्रियोपोर से जो है बाहर निकल जाता है। ये तो बात हो गई कि जब हमें फूड पसंद था हमने वो खाना खा लिया। अब कोई
जो है आपका अनडिजायरेबल फूड, या हम बात करेंगे कोई बड़ा पार्टिकल आ गया तो वो कैसे अब आपका इजेक्ट आउट होगा, मीन्स कैसे उसको बाहर भेजा जाएगा। तो देखिए, जो भी आपका जो है अनडिजायरेबल फूड अंदर आ गया है तो वो भी म्यूकस के साथ, हेड चेक पिट पिट के म्यूकस के साथ जो है यहाँ पे वो चिपक जाएगा, मीन्स बोलस के फॉर्म में, या जो है म्यूकस के साथ लिपट जाएगा। और अब हमारा जो एट्रियोफोर होता है वो रेगुलरली बंद होता है, रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है स्पिंचर पाए जाते हैं एट्रियोपोर पे, ठीक है। एट्रियोपोर इज गार्डेड बाय स्पिंचर, मतलब मसल की सेल से गार्डेड होता है। तो रेगुलरली हमारा एट्रियोपोर बंद होता है और खुलता है। तो सपोज करिए अभी वाटर बहुत तेजी के साथ इस तरीके से यहाँ पे मतलब माउथ से वाटर आ रहा है, एट्रियोपोर से निकल रहा है, ये इसकी पोजिशन है, ये आने की पोजिशन। और देखिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस तरीके से ये मेरा समझिए पानी है, ये पेन, तो इस तरीके से पानी आया और पानी आते जा रहा है, आते जा रहा है, और मैंने ये एट्रियोपोर को बंद कर दिया तो पानी यहाँ पे आके टकरा गया। मींस जैसे ही एट्रियोपोर का जो मेरा मसल है वो बंद हुआ, अब पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन मिल गया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन की मतलब अब पानी जिधर से आया था उधर को ही जो है उल्टा फ्लो करेगा। उल्टा फ्लो करने की वजह से जो भी आपका अनडिजायरेबल हार्ड जो है फूड था, जो इन सीलिया में, जो है आपके वैलम के सीलिया में, या जो हेड सेक पिट के म्यूकस में, या जो इंडस्टाइल के म्यूकस में जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ें फंसी हुई थी जिनका डाइजेशन नहीं हो सकता था, उसको जो है अगेन जो है कहाँ मूव कर जो है मूव कर दिया जाएगा, फिर अगेन बैक टू द वाटर, फिर से वो वाटर में फेंक दिया जाएगा। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारा एट्रियोपोर है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है कुछ रिदमिकली, मतलब कुछ कुछ समय के बाद, ये नहीं कि हर वक्त। तो सपोज ये पेन पानी है तो इस तरीके से पानी आ रहा है और एट्रियो ये माउथ से पानी इंटर किया, एट्रियोपोर से एग्जिट, माउथ से इंटर किया, एट्रियोपोर से एग्जिट। अब क्या किया मैंने, एट्रियोपोर को बंद कर दिया तो पानी यहाँ पे आकर के रुक गया। तो भाई जब पानी को फ्लो है, जब भी पानी में फ्लो होता है, अब ये एनर्जी इसको मिली है तभी ये फ्लो कर रहा है, तो अब यहाँ पे मैंने झटके से बंद कर दिया है, तो अगेन यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हुई वो एनर्जी जो है इस पानी को पूरा माउथ तक जो है ले जाने के लिए, पूरा वॉश करते हुए जो भी चीज़ें इसको अनडिजायरेबल हैं पूरा का पूरा जो है अगेन बैक टू द माउथ जो है वाटर में फेंक दिया जाएगा। तो होप सो आपको मेरी बात, ये बैकवर्ड डायरेक्शन भी इसका समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको आज की वीडियो में जो है डाइजेस्टिव जो है आपका कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इसका है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे कैसे पार्ट अरेंज हैं, अपने काम को करते हैं, गिल्स की पोजिशन, गिल्स में मैंने आपको इस तरीके से रेड कलर से ये अभी थोड़ा ब्लड वेसल की भी पोजीशन बता दी है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा में डिटेल में बताऊंगी। मैंने आपको यहाँ पे फीडिंग मैकेनिज्म, फूड सबके बारे में बता दिया है। होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।